श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2023 में खरमास कब से कब तक रहेगा, खरमास के दौरान की जाने वाली पूजा विधि और इस दौरान क्या करें क्या ना करें इस बारे में बताएंगे। ज्योतिष अनुसार सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, इस तरह 12 महीने में 12 राशियों में सूर्य का गोचर होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्च से अप्रैल महीने के बीच एक बार फिर खरमास लगेगा। 15 मार्च को जब सूर्य कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो खरमास लग जाएगा, यानी कि 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक खरमास के चलते एक बार फिर शादी विवाह के कार्यक्रम रुक जाएंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार खरमास में सूर्योदय से पहले ही उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को एक लोटा जल का अर्घ देकर उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा एक साफ चौकी पर स्थापित करें, दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें, उन्हें पीले फल फूल नैवेद्य पंच मेवा और तुलसी अर्पित करें। पूजा स्थल पर धूप दीप जलाएं, खरमास की कथा सुनें, पूजा में विष्णु मंत्रों का जाप करें। खरमास में गीता पाठ करना बहुत शुभ होता है। इस माह में ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करना चाहिए। खरमास के महीने में सूर्यदेव और विष्णु पूजा शुभ मानी जाती है, इसलिए इस माह में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान के बाद सूर्यदेव की उपासना और भगवान विष्णु की पूजा करें। सूर्यदेव की पूजा के समय उनसे संबंधित मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इस माह के नियम के अनुसार तामसिक भोजन का सेवन, शहद, चौलाई, उड़द, तिल के तेल का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इस माह में ब्राह्मण, गुरु, गाय की सेवा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। खरमास के दौरान किसी भी तरह के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे संस्कारों के अलावा खरमास में नया वाहन, घर, फ्लैट, रत्न आभूषण भी नहीं खरीदना चाहिए। खरमास में गाजर, मूली, तेल, बथुआ, मूंग, सौंठ और आमले का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर मेरे चैनल इंडियन एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।